छप्पन चुरी राखी जी, और आज छप्पन चुरी गाना रिलीज हुए हैं। हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जी म्यूजिक से ये गाना रिलीज हुए हैं, और इस खुशी के नाते हम लोग लिए दो लाइन में गुनगुनाना चाहती हूँ। छप्पन चुरी गाने को सुनिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे मतलब इस गाने को हिट कीजिए बस। और ए छप्पन चुरी मेरी नजरे बुरी, मैं नैनों से मारू कटारी रे, कम सिन का मरिया लर्ज लर्ज जाए में दो धारी तलवार, कोई बचना सका हो ऐसा मुझ में नशा, ओ कोई बचना सका ऐसा मुझ में नशा, मैं दिल पे करती हूँ वार रे मेरे ठुमके पे, ओ मेरे ठुमके पे, ओ मेरे ठुमके पे यूपी बिहार, ओ तेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे, तेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे, ओ तेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे। राखी जी बहुत मजा आया, धमाका मचा दिया आज आप लोगों ने, आप दोनों ने ब्यूटीफुल क्या कहना चाहिए, किस तरह का सॉन्ग है थोड़ा आप बताइए। देखिए हमारा ये छप्पन छुरी जो आज वीडियो है, सॉन्ग है, कम आइटम सॉन्ग है जो जी म्यूजिक पे रिलीज हुआ है, और हमारी सिंगर और प्रोड्यूसर मंदाकिनी जी हैं, और मुझ पे पिक्चराइज किया गया है, हमारे यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर जी हैं, लिरिक्स राइटर है, तो हम सब ने मिलके एक अच्छा एक सॉन्ग बनाया है, एंड आई एम श्योर को पब्लिक को बहुत ही पसंद आएगा ये सॉन्ग। पूरे ऐसा सिर्फ नहीं कि सिर्फ यूपी बिहार के लोगों को ही पसंद आएगा, पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो है उनको भी पसंद आएगा, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है, ये हर जगह के लोगों के लिए बेल्ट खोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। हाँ क्या हर जो हर सीट बेल्ट देखो मैं कहते हैं, देखो इन्होंने कहा कि मेरा जो गाना है छप्पन चुरी लोगों के बेल्ट खोल देगा, कहाँ के बेल्ट, सीट बेल्ट, ओ सीट बेल्ट, मैं तो कोई और बेल्ट समझ रही थी। मैडम आप बताइए राखी जी को लेना कितना मुश्किल रहा आपको गाने में लेने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि छप्पन चुरी है ही राखी जी, तो इनके भी ना तीखी पूरी पूरे के पूरे जितने मसाला है सब कुछ, और 56 जितने चुरी सारे इन्हीं के अंदर घुसे पड़े हैं, और कोई नहीं है सर्वगुण, बस 56 चुरियों का जितने मतलब है सब कुछ है इनके ऊपर, और इन इतना बेहतरीन। मैं आधी रात को उठ के एक एक छुरी निकालती हूँ। छप्पन चुरी हूँ ना। बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने डांस किया, और आप लोग देखिएगा इस वीडियो को तब आप लोगों को। नहीं आई लाइक टू थैंक्स यू मंदाकिनी के, हर आर्टिस्ट को आप जैसा प्रोड्यूसर मिले, और हर आर्टिस्ट को आप जैसे म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर मिले, क्योंकि जब तक हम आप लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, अच्छा सेट लगाया, अच्छे डांसर्स लिए, अच्छे कोरियोग्राफर, अच्छा डीओपी और अच्छा रिहर्सल करवाया, अच्छा सॉन्ग है, अभी अच्छी तरह से इसका प्रमोशन भी हो रहा है, यू नो, एंड और आर्टिस्ट को क्या चाहिए होता है, तो थैंक्स टू यू कि आप लोगों ने इतना अच्छा वीडियो बनाया, और बहुत काफ़ी मेहनत करी, अभी आपने पहला कदम रखा है, अभी आप नई हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इंडस्ट्री में पुरानी हो जाएगी। मैं जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने मुन्नी शीला, यू नो, इतने सारे सॉन्ग बॉलीवुड में बनाए हैं, तो अब आपके पास एक ताज़ी आवाज़, जो ताज़ी आवाज़ मंदाकिनी की, इसकी आवाज़ में जो डेप्थ है, जो 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 दम है, मतलब कि मैं हॉस्पिटल में थी, आई वॉज़ नॉट वेल, इन्होंने मुझे सॉन्ग सुनाया, एंड मेरे बैक में जब रेसलिंग जब वो हुआ था खली के पास, तो मेरे बैक में बहुत दर्द हुआ था, तो मैं एडमिट थी, और इन्होंने कहा आपको ये सॉन्ग करना है, मैंने कहा नहीं मेरे बैक में बहुत प्रॉब्लम है, आई कॉन्ट डू दिस सॉन्ग, तो उन्होंने बोले एक बार सुन लो, तो मैंने सिर्फ सुना, कुड यू बिलीव कि मैं जो बैड था उस पर ऐसा जोर से छलांग लगा के उड़ गई, और मेरे जो यूपी बिहार थे वो एकदम हिल गए, और मैंने कहा कि अरे बाप रे, ये यूपी बिहार वाला सॉन्ग तो हमारे लिए ही बनाया है। यस, यस, बिल्कुल, और मैंने भी इनको कहा कि थोड़ा ऐसा यू नो हॉट बन के, हाँ थोड़ा ऐसा दिखा विखा के आया करो, क्योंकि गाना हमको हिट करेगा, दिखेगा तो बिकेगा, है दिखेगा तो बिकेगा भाई। मैम राखी जी ने डांस भी कराया, और राखी जी बहुत ही अच्छी दिल की इंसान। नहीं मैंने इनको कहा कि आप गाने के साथ साथ आपको मेरे डांस के साथ आपको आना ही आना है, आपको डांस करना ही करना है। मैं पहले नहीं सोची थी कि मैं गाने में फीचरिंग में मैं थोड़ा बहुत नहीं कहीं आऊंगी, क्योंकि राखी जी ने मुझे बोला नहीं तुमको आना है, तब फिर मैंने थोड़ा बस वो मेरे अंदर वो जोश आ गए, और इनके साथ कहीं कहीं वीडियो में नहीं, तुम बहुत खूबसूरत लगी हो, बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। और राखी जी ने तो तोड़ फोड़ दी इस गाने को, आप सब लोग प्लीज इस गाने को बहुत सारा प्यार दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, बहुत हिट कीजिए इस गाने को, और आपके लिए बहुत एक सरप्राइज है, गुड न्यूज है कि मैं राखी सावंत 10-12 लोगों के साथ डेट पर जाऊंगी,
लेकिन किसके साथ जाओगे? जो छप्पन छुरी वीडियो पर अच्छा अच्छा अपने अपने स्टाइल में डांस करेंगे और मुझे टैग करेंगे, मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे या मंदाकिनी को भेजेंगे या पारुल चावला या आपके किसी को भी टैग करके अलग अलग स्टाइल में वो डांस करके हमें भेजें, और जितना ज़्यादा अच्छा डांस होगा आपका हम लोग आपको सिलेक्ट करेंगे और आप और मैं आपके साथ डेट पे आऊँगी। और जो टिकट का, रहने का, खाने पीने का पूरा खर्चा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो हमारी मंदाकिनी जी हम लोग सब कुछ अरेंज करेंगे। लेकिन बस हमें 5 लड़की और 5 लड़का छप्पन छुरी गाने में, सिर्फ लड़का नहीं मतलब बुजुर्ग भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आप ऊपर स्वर्ग में जाने से पहले मेरे साथ डेट पे आ जाओ पहले राखी जी। तो आप स्वर्ग में जाओ, आपको यमराज से मिलो पहले, ये अप्सरा से मिल लो, आओ हाँ डायरेक्ट मुझे मिलो तो डायरेक्ट स्वर्ग में एंट्री हो जाएगी। डांस डांस की अगर बात की जाए तो आपके आपके अलावा कोई नहीं, लेकिन इन दिनों नजबलिए में काफी नाटक किया जा रहा है, लोग कंट्रोवर्सी में क्रिएट किए जा रहे हैं, अपने एक्सेस को बुलाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेके, मतलब कंट्रोवर्सी में कंट्रोवर्सी क्रिएट किए जा रहे हैं? देखिए रियलिटी शो तो होते ही ऐसे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि नजबले का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि अपने बॉयफ्रेंड के हस्बैंड के साथ साथ एक्स को भी बुलाया जा रहा है। थैंक गॉड ये सीजन में मैं नहीं हूँ, वरना तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड के साथ मेरे एक्स को भी बुलाया जाता तो क्या होता, एक दूसरे के बाल पकड़ के ऐसे मारते, एक दूसरे को लड़ते, नाच वाच तो पता नहीं बाजू में रहा। और मेरे हस्बैंड तो माई गॉड मुझे इतना प्यार करते हैं, ओ माई गॉड मैं तो उनका दिल कभी नहीं दुखा सकता। आई एम वेरी लॉयल टू माई हस्बैंड। कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है बिग बॉस? नहीं, कॉन्ट्रोवर्सी कोई क्रिएट नहीं करता। देखिए ये एक कॉन्सेप्ट होता है, नजबले का एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्ट्रोवर्सी कोई क्रिएट नहीं करता। और करते भी है तो क्या प्रॉब्लम है, जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो जब वैसे ही जब तक कुछ अलग ना हो क्या मज़ा आएगा। वह इसीलिए छप्पन छुरी में एकदम अलग है सॉन्ग और बहुत ही आपको मज़ा आएगा। आप देखिए मेरे यूपी बिहार और पटना कितना हिल रहे हैं, देखिए, और उनको हिलाने वाले ये लोग हैं, सभी हिलेंगे। हाँ यूपी बिहार में सभी हिलेंगे। हाँ देखिए इनके बारे में बताऊँ कि ये म्यूजिक डायरेक्टर है, पहले ये भजन बनाते थे अनूप जलोटा की तरह, अभी ये गजल भी बनाते थे, ये गजल भी बनाते थे, गजल सीरियस म्यूजिक डायरेक्टर थे, सीरियस म्यूजिक डायरेक्टर थे भाई। आप सडनली आइटम सॉन्ग ऐसा कैसे आपका लोटा उठ गया सडनली? शादी को लेके और विद्या बालन की अगर हम बात करें, उनके साथ कास्टिंग काउच उन्होंने आके खुद बोला, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इंडस्ट्री की पूरी इम्पोर्टेंट वैल्यू है, उन्होंने कहा कि उनके साथ कास्टिंग काउच हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? विद्या बालन के साथ कास्टिंग काउच हुआ, आई एम वेरी सैड। विद्या माई लव, यू माई फ्रेंड, तुम मुझे सिर्फ बता दो कौन है वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तमिल के प्रोड्यूसर है, उसकी तो लुंगी उतार दूंगी, उसका पुंगी बजा दूंगी मैं। तो कुछ आप कुछ शेयर करना है, आपने भी काफी निश्चय से ऊपर आए हैं, तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा? देखिए क्या होता है ना, जिंदगी में इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑफर आते हैं, मुझे भी आए थे, बट मैंने कभी इन सब चीज़ों का सामना नहीं किया। मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया मंदाकिनी, इतना डेरिंग बनाया कि मुझे कभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज विद्या जी भी बहुत टैलेंटेड है और मैं भी हूँ। ऐसे लोगों को झेलना हमें आता है अच्छी तरह। ओके, आपने पति की फोटो दिखा तो क्या? तुम्हारा आखिरी दिन है क्या? पति की फोटो मैं नहीं दिखाऊंगी, उन्होंने मुझे मना किया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच।